आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता गैर कानूनी तरीके से। रोबरी का केस रजिस्टर्ड करवाओ, डकैती का केस रजिस्टर्ड करवाओ। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, किसी भी तरह का व्हीकल है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का चवन्नी छाप गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी नहीं कर सकता, छीना जप्टी नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता गैर कानूनी तरीके से। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, वो खुद से ही अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं, खुद से ही अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि राह चलते आपकी गाड़ी को छिनवा ले, खुसवा ले, या आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने से जबरदस्ती फोर्सफुली उसको उठा ले। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर करवाओ, इनका पर्चा दर्ज करवाओ। क्योंकि नियम क्या है, सबसे पहले यह समझें, आपने कोई भी गाड़ी, किसी भी तरह का व्हीकल, चाहे वो स्कूटर है, बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, लोन पे लिया किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, यह तो ठीक है कि ओनरशिप, मालिकाना हक जो है उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है जिससे आपने लोन लिया है। आप अपनी आरसी देखेंगे, उसके अंदर एचपीए लिखा हुआ है लाल रंग से और रेड कलर से एचपीए लिख के आगे उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिससे आपने लोन लिया। इसका मतलब ये है कि वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ओनरशिप है, मालिकाना हक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पैसा आपका भी लगा हुआ उसमें, ऐसा नहीं है कि उसकी ओनरशिप है, उसका मालिकाना हक है, तो वो किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करेगा। सबसे पहले तो जब तक आपकी 3 EMI डिफॉल्ट नहीं होती, किसी भी तरह का लोन हो, आपसे रिकवरी की नहीं जा सकती कानूनी रूप से। क्योंकि इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं। हाँ, अगर 3 से भी ज्यादा हो गई हैं उसके बाद भी नियम क्या है, ड्यू टू प्रोसेस चलना पड़ेगा इनको। ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से, होना क्या चाहिए, आपको एक नोटिस इश्यू करेंगे, उसके बाद इनके पास सेक्शन 17 का नोटिस होना चाहिए, सेक्शन 17 का सीजिंग का इनके पास ऑफिसर भी होना चाहिए और सेक्शन 17 का नोटिस होना। और नियम क्या है, कानून क्या है कि ये जो भी, जहां भी आपकी गाड़ी है, मान लो आपकी दुकान से लेने आए हैं, मकान से, फैक्ट्री से, कारखाने से, जो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन है या चौकी है, वहां पे इनको इंटीमेट करके आना पड़ेगा, बता के आना पड़ेगा, रिटर्न में देके आना पड़ेगा कि भाई हम इस आदमी की मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे ये गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, ये गाड़ी है, ये इसका नंबर है, ये इसका चेसी नंबर है, ये इसका इंजन नंबर। और तब आपके आपके पास आके पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आपसे गाड़ी ले सकते हैं। गाली गलौज करना तो बहुत बड़ी बात है, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। और पीसफुल तरीके से गाड़ी लेने के बाद भी दोबारा फिर उसी नियर बाय पुलिस स्टेशन चौकी में जाना पड़ेगा, फिर उसको इंटीमेट करके आना पड़ेगा, बता के आना पड़ेगा, रिटर्न में दे के आना पड़ेगा कि हम इस आदमी से इसकी स्कूटर, बाइक, कार, जीप, ट्रक, बस रिकवर करके ले आए हैं और अब हम इसको लेके यार्ड में जा रहे हैं। ये नियम है जो कि इसको कभी फॉलो नहीं करते, कभी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में 99% चांस है कि बता के नहीं आते, क्योंकि ये इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर रोबरी का केस रजिस्टर्ड करवाओ, डकैती का केस रजिस्टर्ड करवाओ। अगर गैर कानूनी तरीके से छीना जप्टी कर रहे हैं, रस्ते में गाड़ी घोस रहे हैं, ऐसा भी हमारे को देखने में आया, बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि सर मेरे बीवी बच्चे भी गाड़ी में थे, उनको भी उतार के उनकी भी बेइज्जती करी, उनकी भी इंसल्ट की, सोशल इंसल्ट की जा रही है लोगों की, और गाड़ी को छीन के वो चवन्नी छाप उठाई करे भिख मंगे ले गए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पर फोन करे और इनके ऊपर रोबरी का केस रजिस्टर्ड करवाए। बहुत सी कंप्लेंट हमारे पास ऐसी भी आ रही है कि सर पुलिस वाले कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं करते, वो कहते हैं भाई इसने पैसे दिए थे इस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने, आपने पैसे नहीं दिए, ना अपनी गाड़ी खोस ली। अरे भाई खोसनी अलाउड नहीं है, डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, खोसनी अलाउड नहीं है, छीननी अलाउड नहीं है,
अपशब्द बोलना अलाउड नहीं है, चिल्ला चिल्ली करनी अलाउड नहीं है, और गाली गलौज तो बहुत बड़ी बात है। तो आप डरे घबराए नहीं, अगर पुलिस ये कंप्लेंट नहीं ले रही है, एक बार तो पुलिस आएगी जब आप वहां पे फोन करेंगे 100 नंबर पे, कंट्रोल रूम में जाएगा तो पुलिस 100% आएगी। अगर फिर भी पुलिस कंप्लेंट लेने से इनकार कर रही है तो आप नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। वहां पे भी नहीं ले रहे तो उसका नाम ले आओ, फोटो खींच लो, बाहर नाम लिखा हुआ है उस थाने का, पुलिस स्टेशन का, और जाके डाक के द्वारा पोस्ट से और रजिस्टर्ड डाक से उसको वहां पे कंप्लेंट को रजिस्टर कर दो। वो पुलिस के पास जाएगी, वो उसको लेंगे और 100% इनके ऊपर कार्रवाई होगी। 499500 में आप इनके ऊपर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं। नानी याद आ जाएगी, इनको कैच निकट जाएगी, इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, और जेल की सजा का प्रावधान भी है अगर आपको अपने राइट और अधिकार पता है। तो साथियों डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट और अधिकार जानिए। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अड़के में नहीं लेंगे, तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको कहीं भी बेल करवानी है, कहीं भी जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, आपकी जमानत करा देंगे। उसकी क्या फीस होगी, आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूं, आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कब आ रहा हूं वो जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे से टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर जो नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, आगे समझ में, जय ससुराल वालों की।